हाँ बताएं अपने समय बताओ। मेरे पैसे रुके हुए हैं किराया, जो कि 6 महीने का किराया रुका मेरा 2011 का, और 2 महीने का, दो मतलब 10 महीने का मंगल दिवस रुका हुआ, वो भी 2011 से और जनवरी 12 तक। क्या बोलते हैं आप जो संबंधित अधिकारी, उनसे बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं? उनसे बात करी लेकिन बोलते हैं आ जाएगा, कुछ नहीं। इसके अलावा फिर हमने महिला आयोग तक के लेटर भेजा तो बोले कि जांच पड़ताल होगी, उसकी जांच के आदेश दिए गए। और उसके बाद 2 सुपरवाइजर आई थी और मेरा बयान लिख के लेके चली गई और डायरी की फोटोकॉपी भी लेके गई, लेकिन अभी तक के कुछ पैसा नहीं आया मेरे पास, अभी तक के कुछ भी नहीं आया। 8,000 रुपए रुके, 1500 रुपए मेरा मानदेय में से भी पिछले साल का 2 अगस्त का रुका हुआ 1500, वो भी अभी तक कुल मिला के 8,000 रुपए हो गए, जिसमें से अभी तक के मुझे कुछ नहीं मिला, बस 8 महीने की तनख्वाह ही मिल रही। इस कारण की आपको आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। और फिर अपन ज्यादा बोलो ना तो ये जो सुधा गोगले मैडम है ना, वो झूठे पंचनामे बनाने शाम को 5 बजे 4 बजे कभी भी आ जाती है और बोलती है कि ये तेमी मिलती है नहीं है आंगनवाड़ी में, तो ये सब लोगों से पूछ लो कि मैं मिलती हूँ कि नहीं, मतलब झूठी कार्रवाई करते हैं इसके खिलाफ, पंचनामा बना के और इसको नौकरी से निकाले। और केस के अलावा समस्या? और पैसे के लिए मतलब पैसा मेरे से 13,400 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया था उन्होंने, मैंने बार बार शिकायत करी तो वो मेरे समझे मेरा आ गया, और ज्यादा पैसे जो फोन कर रही थी कि मैडम ये किस चीज के, मैं वापस दे दूँ, तो मैडम ने क्या करी कि बोले वो तो तुम्हारी कार्यकर्ता के पैसे हैं, वो कार्यकर्ता भी बार बार बोली मुझे उसके हस्बैंड के साथ बुलवाई, मैं नहीं गई, जब तो नहीं गई, फिर मेरे को बोली साहिन से फोन लगाई कि साहिन तू आ गई, फिर उसने बोला कि 10 बजे फोन लगा दी, बोले मैडम आंगनवाड़ी टाइम में नहीं आऊंगी, तो बोले नहीं तुम अभी लेके आओ, तो ये मुझे बुला के लेके गई यहाँ आके आंगनवाड़ी से, और पास की सहायिकाओं को मालूम है कि खाना लेकर और छोड़ के मैं गई, मैं अब भी मेरे को मैडम बुला रही मोगा जाना, और मैं चली गई, और जिसके बाद फिर इसने पैसा दिलवाया तो रिसिप्ट ले ली, मैं तो दे नहीं रही थी वैसे पैसा इसको, फिर आधे पैसे इसने मिला के दिए, मेरे किराया दे चुकी थी नानी को 3,000 रुपये मेरे पास कम हो गए थे, तो फिर इसने मिला के दिए पैसे उनको 13,400 पूरे करके दे दिए, और वो पैसा मेरे से ली तो रिसिप्ट ले लिए ना हमने, शाहिन ने दिलवाई नहीं तो मेरे तो ये भी नहीं रिसिप्ट लेती मैं पैसा देती, फिर इसने रिसिप्ट लेके पैसा दिलवा दी, और अब मैं इसको बोलती तूने मेरा पैसा, तो ये भी फिर मेरे पीछे बोलती कि भाई मैडम दे उसका पैसा तो मेरा पीछे छोड़े, मैं बोलती हूँ कि तूने क्यों दिलवाई, अब मेरा पैसा मिल नहीं रहा, तो फिर ये मैडम तो बोलती थी इसके भी खिलाफ है, तो मतलब आप क्या झूठी कार्रवाई करने की वो देती है? कार्रवाई कर दोनों को नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि ये ज्यादा बोलती, मतलब अपन ने जो भी पैसा इनके तरफ रुका अपन भूल जाओ उसे छोड़, तो मेरे को जब 1,250 रुपए मिलते थे जब तक मेरा पैसा रुका हुआ, 2,000 तो अब हुए बाद में।